नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं बोया M1 माइक की, जो कि हर एक वीडियो क्रिएटर की काफी ज्यादा पसंद होती है और हर कोई इसको लेने की सोचता है। थोड़ा सा महंगा आता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप कभी भी इसे ही खरीदेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप केवल बोया का खरीदेंगे, इसी रेंज की कई कंपनियों के आते हैं माइक, सभी सेम होते हैं, तो आप वो कोई सा भी खरीद सकते हैं। तो आज मैंने इसको लिया है क्योंकि मैं भी बहुत लोगों की वीडियो देख चुका था इसके बारे में और इसको हमेशा खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं खरीदा। मुझे ऐसा लगता था कि 700-800 रुपए के माइक में और 100-150 के माइक में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब मैंने इसे खरीदा है और देखा है तो मुझे काफी चीज समझ में आई। यही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अनबॉक्स करके, किसके साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं और कंपनी जितने पैसे ले रही है तो क्या उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दे भी रही है या नहीं। तो इस वीडियो में करेंगे इसको अनबॉक्स और देखेंगे क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो दोस्तों, ये है बोया का लवेलियर माइक्रोफोन माइक्रो क्रेवेट BY-M1। इसको सीधा सीधा कहते हैं बोया M1 माइक। आपने काफी सारी वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे इसके बारे में, तो इसका शॉर्ट नेम है BOYA-M1, बोया M1 माइक, यानी बोया कंपनी का है और M1 मतलब इसका एक मॉडल नंबर है। तो M1 यही सबसे ज्यादा चलता है और आपने काफी सारी चीजें देखी भी होंगी इसके बारे में, तो आप इसको आज रियल हकीकत में देख लीजिए। तो यहां पर कुछ डिटेल है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला माइक स्मार्टफोन DSLR कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर में यूज हो सकता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, तो किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग में ये यूज हो जाएगा। नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर, बैटरी भी है LR44 बैटरी, और ये कुछ डिटेल है यहां पे। तो अब इसको जल्दी से खोल लेते हैं, कुछ चीजें मैं और दिखा दूं आपको। तो जब आप इसको मंगाएंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इसको जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं इसके अंदर। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसका जो माइक है वो कहां पर है, तो दोस्तों उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और साथ ही इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कि आपको इसकी वॉइस क्वालिटी पता चल जाए कि किस तरह की इसमें वॉइस क्वालिटी है। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये वाली LR44 बैटरी है जो कि घड़ी में यूज होती है, जो कि घड़ी के अंदर यूज होती है, LR44 थोड़ी बड़े साइज की बैटरी है तो ये यूज होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो बैटरी यूज होगी वो केवल अगर आप DSLR कैमरे में इसको कनेक्ट करते हैं तभी बैटरी का काम है, अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करते हैं तो बैटरी का कोई काम नहीं है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये इसके साथ कनेक्टर एक मिलता है, ये पीछे 3.5 mm का जैक लगाने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर 3.5 mm का जैक ही आता है और इसको जब कैमकॉर्डर या DSLR कैमरे से कनेक्ट करेंगे तो इसको यहां पर लगा लेंगे इसमें, तब ये इस चीज को DSLR कैमरे में लगा लेंगे। तो ये चीज मिल जाती है, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं, ये वारंटी कार्ड है इसका, वारंटी पॉलिसी है, इसको सही से पढ़ लीजिए। और ये बोया M1 माइक के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़नी है, टेक्निकल नॉलेज लेनी है, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। एक बार मैं दिखा दूं इसे, अब मैं आपको एक्चुअल माइक दिखाता हूं। इससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मैं आपको
ये देखिए, और ये है मैन पार्ट जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी का होता है, आपको मैं दिखाऊंगा इसको। आप नॉर्मल अगर कहीं मंगाएंगे तो उससे तो अच्छी क्वालिटी ही होती है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है और सारी चीजें मेटल की हैं, सारी चीजें इसमें मेटल की दे रखी हैं। ये चिमटी भी काफी अच्छी है, नॉर्मल मैंने यूज किया था 100-150 वाला, तो चिमटी 5 या 6 महीने में बेकार हो जाती है या टूट जाती है, तो इसको लगा सकते हैं आप या हटा भी सकते हैं। इसके अलावा ये जो वायर है इसका, आपने वायर देख लिया होगा कि वायर करीब 10 मीटर के करीब करीब है, यानी आप अपने कैमरे को कहीं दूर भी रखेंगे तो भी एक अच्छी क्वालिटी की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इसमें ये क्या चीज है, काफी लोग जानना चाहेंगे ये क्या चीज है। तो दोस्तों ये मैं बता दूं, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो नॉइज कैंसिलेशन के लिए मशीनरी है आधी, और एक है अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस मोड में आपको रखना पड़ेगा ऑफ मोड में। तो बैटरी पूरी जिंदगी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन में जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कैमरे हैंडीकैम में अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपको ये सेटिंग ऊपर करनी पड़ेगी, और तब आपको इसमें बैटरी भी लगानी पड़ेगी, और बैटरी जब खराब हो जाएगी कुछ दिनों में तो उसको फिर चेंज भी करना पड़ेगा। यानी स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करने के लिए आपको बैटरी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे या DSLR से आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी। ये टांगने के लिए दे रखा है, कहीं भी क्लिप कर सकते हैं आप इसे, और जो वायर है वो एक अच्छी क्वालिटी का है, कभी भी ब्रेक नहीं होगा इतनी जल्दी। और अब इसकी जो खासियत बताऊं जिसके लिए ये बिकता है, इसमें नॉइज कैंसिलेशन सेटिंग दी हुई है, डिवाइस दी हुई है, जिससे 1 मीटर या 1 मीटर से दूर वाली जो वॉइस होती है वो डाउन रिकॉर्ड होती है या बिल्कुल ना की तरह, ना के बराबर रिकॉर्डिंग होती है। और जिस इसके पास जो मुंह लगा के अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं या पास में जो बोल रहे हैं उसकी साउंड क्वालिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और क्लियरिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जैसे अगर आप सांस ले रहे हैं और आप बोल भी रहे हैं तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी आएगी और अच्छे तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं इसमें, इस वाले बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।